हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोलांकी एंड यू आर वाचिंग। तो जैसे कि ईद आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमारी स्किन केयर के साथ हमारे बालों की केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्योंकि अभी पार्लर वगैरह बंद है लॉकडाउन के चलते, तो हम नहीं बाहर जा सकते, पर इसका भी समाधान मेरे पास ही। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप घर पर बैठे अपने बालों का, स्किन का किस तरीके से क्योर कर सको, किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट कर सको या उसको स्टाइल कर सको। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ घर बैठे मिनिमम खर्चे में, उसका कोई खर्चा है भी नहीं, उससे आप घर बैठे किस तरीके से घर में स्पा कर सकते हो, जो कि बिल्कुल नेचुरल होगा और जिससे कि आपके बालों को कोई डैमेजिंग वगैरह के तो चांसेस ही नहीं है, बल्कि जो डैमेजिंग वगैरह पहले से हो रखा है कि आपके रिबॉन्डिंग के चलते, आपके कलरिंग के चलते, ये सब यू नो कर्ल वगैरह के चलते, तो वो सारे भी ये क्योर कर सकता है। ये इतना पावरफुल है, मैं खुद अपने बालों के लिए ट्राई करती हूँ, मुझे पता है कितना ज्यादा यूजफुल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको घर में ट्राई करो और ईद से पहले पहले आपके बाल भी बहुत ज्यादा सिल्की स्मूथ और यू नो स्पा के सारे इफेक्ट्स, मैं तो कहूंगी कि स्पा से ज्यादा इफेक्ट्स ये आपको देगा। तो चलिए और कोई बात है नहीं, एपिसोड को शुरू करते हैं। पर उससे पहले कुछ बातें आपको कहनी है कि प्लीज, सबको पता है कि क्या कंडीशन है हमारे देश की या पूरे दुनिया की, तो प्लीज हाथों को सैनिटाइज करो, बाहर जाने से खुद को रोको, मास्क पहनो हमेशा जब भी बाहर जाओ। तो मैं तो कहती हूँ कि बाहर ना ही जाओ, और जैसे कि मैं हर एक एपिसोड में कहती हूँ कि जब तक फूड और मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो प्लीज बाहर ना जाए। तो प्लीज खुद का भी ध्यान रखिए और पूरे विश्व का ही ध्यान रखना चाहिए हमें। तो चलिए और कोई बात है नहीं, अब देख लेते हैं कि हेयर स्पा को हमें घर में किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस हेयर मास्क को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए आपको लगेगा एक राइप बनाना, यानी कि बिल्कुल पका हुआ बनाना, जिसको कि आपको देखकर खाने का दिल ना करे, उसको आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छे ही तरीके से काम आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है और हमें मेल्ट ही चाहिए। तो मैंने, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं, आप देखते ही होंगे, अगर आपके बाल लंबे होंगे तो आप इस तरीके से दो या तीन, अगर कमर तक किसी के बाल होंगे तो आई गेस उनको तीन इस तरीके के बनाना लग जाएंगे, उस हिसाब से आप केले को ले लोगे। नेक्स्ट आपको इसको रफली चॉप करना है, क्योंकि आपको इसको मिक्सी में डाल के मिक्स करना है, तो इसलिए मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ। इसके अंदर आपने एक जो बीज इसका देखे उसके मैंने निकाल लिया है, उसको इसके अंदर नहीं डालना है। तो इसको अभी मैंने एक मिक्सर जार के अंदर डाला है। नेक्स्ट आपको इसके अंदर ऐड करना है दही, क्योंकि अगेन मेरे बाल छोटे हैं तो मैं छोटी चम्मच से तीन चम्मच में दही लूँगी। आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से, अगर आप केले का अमाउंट बढ़ा रहे हो तो आप थोड़े से दही का अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। तो इस हिसाब से मैंने छोटे चम्मच के तीन चम्मच लिए हैं। नेक्स्ट आपको जो लगेगा वो लगेगा आपको कोकोनट ऑयल, तो मैं यहाँ पर डेढ़ चम्मच कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप मैक्सिमम दो चम्मच ले सकते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा, आपको एक चम्मच हनी ऐड करना है। जो भी आप लोग हनी का इस्तेमाल नहीं करते, आप बिल्कुल इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का भी पैक बहुत बढ़िया बनता है। तो अभी इसको हमें मिक्सी के अंदर डाल के बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट की कंसिस्टेंसी तक लाना है। ध्यान रखना है कि हमें इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं चाहिए, वरना वो बालों में अटक जाएगा। तो ये अभी आपका पैक बनकर रेडी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको बालों को अच्छी तरीके से कोम कर लेना है, ताकि कोई भी टैंगल वगैरह ना रहे। और मैं एक बात बता दूं कि बालों को थोड़ा सा साफ़ सुथरा होना भी इस स्पा ट्रीटमेंट के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने लास्ट डे को शैम्पू करके रखा था, क्योंकि एक दिन दो बार हेड वॉश करने से मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उस हिसाब से आप पहले पिछले दिन शैम्पू करके फिर नेक्स्ट डे आप इसको अप्लाई करके दोबारा शैम्पू कर सकते हो। तभी जिस तरीके से हमें इसको अपने बालों में, ये मैंने थोड़ी सी नौटंकी कर ली इस बीच में, तो जिस तरीके से हमें इसको अपने बालों में अप्लाई करना होता है, इस तरीके से लगा लेंगे। हमें ज़्यादा ध्यान देना है स्पा ट्रीटमेंट को कि हम लेंथ पे ज़्यादा लगाएं। तो हालांकि ये पैक हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके जितने भी डैंड्रफ वगैरह है उनसे बहुत ज़्यादा क्योर दिलाता है, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो क्या करना है, आपके थोड़े थोड़े अमाउंट में आप इसको स्कैल्प पे लगाओगे और ज़्यादा अमाउंट आप अपने इसको लेंथ पे लगाओगे, ताकि आपको वो स्मूथनिंग इफेक्ट सारा कुछ मिल पाए। तो मैंने पहले अपने सारे स्कैल्प पीस को लगा लिया है, और बिल्कुल इसको मसाज करने भी की कोई ज़रूरत है नहीं, आप इसको अप्लाई करके बिल्कुल छोड़ सकते हो। जब भी आपका पूरा स्कैल्प इससे हल्की तरीके से कोट हो जाए, अच्छी तरीके से कोट हो जाए, उसके बाद बाकी का जितना अमाउंट बचेगा उसको आप अपने लेंथ पे पूरी तरीके से लगा लोगे। लेंथ पे लगाते हुए आप इसको बिल्कुल टिप, यानी कि आपके बालों का जो एंड है उस पोर्शन पे
बालों की जो एंड होता है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके लगाना, क्योंकि स्प्लिटन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एंड पे ही होता है, और इस पैक से आपको स्प्लिटन आएंगे ही नहीं। अगर जिनको हो रखा है आप इसके धीरे धीरे इस्तेमाल करने से वो भी थोड़े क्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लेंथ पे अच्छी तरीके से इसको कोट कर लोगे। पूरा एप्लीकेशन हो जाए तो आप इसको एक क्लचर की मदद से इसको आप टाई कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो आप शावर कैप भी पहन सकते हो। इसको हमें बालों में बिल्कुल सुखाना नहीं है, इसको हमें रखना है बिल्कुल 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना। उसके बाद आप एक नॉर्मल यानी कि हर्बल शैम्पू से आप शैम्पू कर लोगे। इसके बाद आपको कंडीशनर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको 45 मिनट से लेकर 1 घंटा रखने के बाद इसको वॉश करके फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, और इसमें कोई सा भी मेरे बालों में अभी टैंगल नहीं है। मैंने कोई सा भी यू नो कंडीशनर सीरम वगैरह का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सिल्की और स्मूथ है। और इस स्पा को करने के बाद आपके बालों में एक अलग ही चमक, एक अलग ही शाइन आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो अभी बिल्कुल कैमरे में भी दिख रहा है अच्छी तरीके से कितना ज़्यादा शाइनी लग रहा है। तो ये आपको भी मिल सकता है। इसको आप हफ्ते में अगर एक बार भी करते हो तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इतना ज़्यादा नेचुरल है, सेफ है, तो इसको घर में बिल्कुल ही ट्राई करना। तभी अभी जैसे आपने देख लिया कि इस हेयर स्पा को हमें किस तरीके से करना चाहिए। इसको आप हफ्ते में एक बार भी करोगे ना, जिंदगी भर के लिए अगर आप इस एक हेयर स्पा को करोगे ना, आपके बालों में कभी डैमेजिंग वगैरह आएगी ही नहीं, कभी वो जो रूखापन वगैरह हो जाता है ना वो कभी नहीं आएगा। तो आई गेस कि आपको एपिसोड अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको घर में ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना मत भूलना। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ सकते हो। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो आप एक थम्स अप दे सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, पास में मेरा बेल बटन को अगर सब्सक्राइब करो तो बेल बटन को हिट करना तो बनता है यार, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कब कौन सा एपिसोड डाल रही हूँ। तो ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुझे कोई इन्वाइट क्यों नहीं किया अभी तक। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं से खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, एंड सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, शादियों वगैरह में नहीं जाना है। बाय बाय।